नमस्कार, आप देख रहे हैं टाइम्स न्यूज और मैं हूं आपके साथ कंचन। इंदौर नार्कोटिक्स विंग में बड़ी कार्रवाई करते हुए 30 ग्राम एमडी ड्रग पकड़ी है, जिसमें कुल 3 आरोपियों को गिरफ्तार किया गया है। फिलहाल नार्कोटिक्स विभाग इन आरोपियों से पूछताछ कर रहा है, इसमें और भी खुलासे होने की संभावना है। गौरतलब है कि 2 दिन पूर्व नार्कोटिक्स पुलिस ने मुखबिर की सूचना के आधार पर आजाद नगर से नौलखा के बीच से एक आरोपी को एमडी ड्रग्स के साथ गिरफ्तार किया था। पूछताछ में आरोपी की निशानदेही पर आज 2 अन्य आरोपियों को भी गिरफ्तार कर लिया गया। पकड़े गए आरोपियों से पूछताछ की जा रही है कि वो एमडी ड्रग्स कहां से लेकर आए थे। फिलहाल पूरे मामले में मुख्य सरगना जो एमडी ड्रग्स उपलब्ध कराता है वो अभी फरार है, जिसकी तलाश नार्कोटिक्स विभाग कर रहा है। फिलहाल पुलिस आरोपियों से पूछताछ कर रही है, जिसमें और भी मामले के खुलासे होने की संभावना है। दिनांक 6/8/2022 को जरिए मुखबिर से श्री पदमनाथ व पदम सिंह कायत साहब को मुखबिर से सूचना मिली थी कि आजाद नगर और नौलखा बस स्टैंड के बीच में एक व्यक्ति एमडी देने के लिए आ रहा है। उसको हमारी टीम ने घेराबंदी करके पकड़ा, जिसका नाम पता पूछा तो कादिर खान बताया, जो निवासी आज़ाद नगर का था। उससे 20 ग्राम एमडी जब्त की गई है। उसकी निशानदेही से गोलू नाम के व्यक्ति को कुक्सी से गिरफ्तार किया, उसके पास से 5 ग्राम एमडी जब्त की गई। और गोलू के ने बताया कि मैं ये एमडी इससे लाया था अपने वसीम शेख बड़वानी से, उसके कब्जे से भी 5 ग्राम एमडी जब्त की गई। कुल 30 ग्राम एमडी जब्त की गई 3 व्यक्तियों से, जिसकी कीमत 3 लाख के लगभग है। सर, ये कब से तस्करी कर रहे थे, ऐसी कुछ जानकारी आई है? अभी पूछताछ की गई है। जिन्होंने बताया एक व्यक्ति ये अपने मनावर से के पास देता था, लेकिन उस व्यक्ति का हुलिया बता सकते हैं, लेकिन वो मिला नहीं है। हम भी गए थे वहाँ पे, तलाश की जा रही है। हाँ, तलाश उसकी की जा रही है। आपका परिचय TI वर्सिंग खड़िया। टाइम न्यूज़ देखिए अब आपके मोबाइल और स्मार्ट